ब्लैक फंगस पूरे देश में अपना फंदा कसता जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस भारत में ही क्यों कहर भर पा रहा है और दुनिया की जो बाकी देश हैं वो इस मुसीबत से कैसे सुरक्षित हैं? ब्लैक फंगस क्या है और कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? पिछले कुछ दिनों के दौरान में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के रूप में देश के लोगों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और इस खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से मानसिक मरीजों की जान जोखिम में है जो किसी तरह कोरोना वायरस का मुकाबला करके ठीक हुए हैं। दोस्तों, डॉक्टर के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने से पहले आम तौर पर ब्लैक फंगस के कुछ ही मामले सामने आए थे, वह भी ऐसे मरीजों पर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैंसर या फिर आर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किसी कारण की वजह से बेहद कम हो गई थी। लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है। जहां कुछ अस्पतालों में पिछले एक साल में एक या दो केस सामने आया करते थे, अब वहां पर हर महीने 30-35 मरीज आ रहे हैं। दरअसल भारत में ब्लैक फंगस के ज्यादा केस आने की एक वजह है, डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा भारत में है और यहाँ डायबिटीज के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं, जिनमें से कई लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होने की वजह से स्टेरॉइड देना पड़ा था, उसी कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी और कम हो गई और ऐसे में मरीजों को ब्लैक फंगस के चपेट में आने का और भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर के मुताबिक भारत में एक बड़ी तादाद में पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, के इलाज में लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। साथ ही हाइजीन यानी स्वच्छता की कमी और इंसान के इक्विपमेंट के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के मामले और बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के चलते अधिकतर हॉस्पिटल सफाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से उनके इक्विपमेंट पर फंगस जमा होने का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से कितने परसेंट लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, उनमें से स्ट्राइक पर कितने लोग हैं, लेकिन जिन लोगों का ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है उनके मामले में सांस लेने पर इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने का भी ध्यान देना होगा। शायद इन बातों पर ध्यान न देने की वजह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा 6 गुना भी बढ़ गया है, जिसके चलते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो रही है। ऐसा माहौल ब्लैक फंगस को फैलने का पूरा मौका देता है। इसके अलावा अस्वच्छ मास्क को बार बार लगातार इस्तेमाल करना भी खतरनाक साबित होता है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने मास्क को धोते रहें या फिर उसको बदलें। हाई डायबिटीज समेत अन्य कारणों की वजह से ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पनप रहा है और इसके अलावा शरीर में कम इम्यूनिटी की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, भारत में ब्लैक इन्फेक्शन फैलने का बहुत बड़ा कारण है लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होना। डॉक्टर के अनुसार ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में ब्लैक फंगस के करड़ों का पता लगाया जाता है, दूसरे में शुगर लेवल चेक किया जाता है और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना बंद किया जाता है और साथ ही एसिडोसिस का भी चेक किया जाता है। इसके बाद सर्जरी के जरिए डेड टिश्यू को हटाया जा सकता है, जिसमें कई स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इस स्टेज में सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लैक फंगस और ज्यादा ना फैले, पर आखिरी में ब्लैक फंगस पर काबू पाने के लिए आखिरी में दवाइयां और इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरे किसी व्यक्ति को अगर अपने अंदर ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम दिखे तो उसे सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करना चाहिए और अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी दवाई का सेवन ना करें। ब्लैक फंगस से या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए सफाई का जरूर ख्याल रखें। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।